शिवपुरी जिले के बैराड़ में एक ट्रक की टक्कर लगने से एक बिजली ट्रांसफार्मर धराशाही हो गया। हादसे के दौरान ट्रांसफार्मर में बिजली सप्लाई चल रही थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरने से ट्रांसफार्मर ऑयल सड़क पर फैल गया। इस दौरान सड़क किनारे गड्ढे में भरे ट्रांसफार्मर ऑयल को लूटने के लिए लोगों में होड़ लग गई। यहां रास्ते से गुजर रहे लोगों ने बाल्टी, ग्लास, बोतल और पॉलिथिन सहित जिले में जो कुछ मिला उसमें तेल भरता नजर आया। दरअसल बुधवार की देर रात करीब 9 बजे नगर के मुख्य मार्ग से भूसे से भरा एक ट्रक गुजर रहा था, तभी अचानक ट्रक का ऊपरी हिस्सा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से टकरा गया और ट्रांसफार्मर की केबल ट्रक में उलझ गई, जिससे ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर गया, जिससे आसपास के इलाके में बिजली सप्लाई बाधित हो गई। ट्रांसफार्मर गिरने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि जिस स्थान पर ट्रांसफार्मर गिरा है उसके ठीक सामने दुकानदारों ने रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है। कोई भी तार टूटकर उस तरफ जा सकती थी और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं बिजली कंपनी के लाइनमैन मुन्ना कोठारी ने बताया कि ट्रक की टक्कर से ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरा है, जिससे विभाग को लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हादसे के बाद ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है।